Good morning, dear students. Today we are going to see practice set number 3.4 and we will understand what are the basics and how to solve it. So on the right hand side I have given the properties and theorems which are going to be used for 3.4. So let's understand one by one. Friends, you can see in the diagram. So there is an angle AOB, there is an arc AXB, then another angle ACB. First property says that measure of this angle equals to half the measure of arc intercepted by it. Angle circle में intercept करता है arc को और arc circle में angle को inscribed करता है. So ये दो meaning है आपको पता होना. इंटरसेप्ट एंगल करता है, आर्क एंगल को इंस्क्राइब करता है. सो दिस एंगल का मेजरमेंट इक्वल्स टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क, इसका हाफ. तो अगर हमें बोलते हैं कि ये ढूंढ के बताओ तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन होगा. अगर हमें ये ढूंढने बोलते हैं तो ये वैल्यू गिवन होगा. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये सेंट्रल एंगल आपको पता होगा. अगर ये पता है तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है एक, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट. इसकी वैल्यू सेम होती है. और जैसे इसकी पता चलेगी, इसकी मालूम पड़ जाएगी इस फॉर्मूले की वजह से. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड प्रॉपर्टी. फ्रेंड्स, फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी यू कैन सी द डायग्राम. इन द सर्कल ओ इज द सेंटर, पी ओ आर एक एंगल है और इस एंगल ने एक आर्क बनाया है जिसका नाम है पी क्यू आर. आर्क पी क्यू आर. अब उस आर्क में आप देखोगे कि दो एंगल जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं, उसी आर्क के अंदर दो एंगल्स बने हुए हैं, एंगल एम और एंगल एन. उसको हम ऐसे भी बुला सकते हैं, पी एम आर एंड पी एन आर. तो ये दोनों भी एंगल सेम आर्क के अंदर हैं, जिसकी वजह से वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. यही कहता है सेकंड प्रॉपर्टी, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. मैं इसको लिख देता हूं, एंगल पी एम आर congruent to angle PNR. Reason, inscribed in same arc. एक ही आर्क के अंदर आते हैं, इस वजह से ये और ये congruent है. ये है second property. अब बढ़ते हैं third property.
तो आप देखेंगे कि मैंने नाम चेंज किया वहाँ पे और रेड कलर में लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी जो अपोजिट साइड के, सॉरी अपोजिट एंगल्स वाले जो एंगल होते हैं साइकिल के, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के, तो वो आपस में मिलकर सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे बताता हूँ। अपोजिट एंगल्स, दीज टू आर एडजेसेंट एंगल, दीज आर अपोजिट एंगल्स। वन एटी डिग्रीज, सप्लीमेंट्री एंगल। They join and makes 180. Same case for these two also. Okay, this is the fifth property. Let's go for the sixth one. Dear friends, so the next property is sixth property. You can see there is a cyclic quadrilateral PQRS. So 6 point kehta hai, an exterior angle of the cyclic quadrilateral is congruent to the opposite angle of the interior adjacent angle. Iska matlab hota hai, ye angle exterior angle hai, bahar ki taraf. इसकी वैल्यू अगर ढूंढनी है और आपको इसकी वैल्यू पता है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है सिक्स वाली। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, इसका मेजर एंगल पता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस एंगल से, पीएसआर से। और अगर इसकी पता है तो आपको इसका पता चल जाएगा। ये है सिक्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर में अंदर की तरफ एडजेसेंट से अपोजिट वाले एंगल से मैच करता है, कॉम्पोनेंट होता है। अब बढ़ते हैं सातवीं प्रॉपर्टी की तरफ। सातवीं प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है। हमने डिस्कस किया था पीछे, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि पी क्यू आर एस इनका अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, फिर से सुनो, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो इनके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। अब इसका उल्टा, अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। यही बात सेवेंथ प्रॉपर्टी में बताई गई है। इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये एक जोड़ी है अपोजिट एंगल की, वो 180 हो जाती है, तो ये सारे क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएंगे, साइक्लिक। ये सेवन प्रॉपर्टी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एट प्रॉपर्टी की तरफ। डियर फ्रेंड्स, नाउ प्रॉपर्टी नंबर एट, इट सेज दैट इफ टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन सबटेंड्स, सबटेंड्स मतलब कुछ और नहीं, मेक्स, सबटेंड मतलब मेक्स, इफ टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स, मींस कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट पे इक्वल एंगल बनाते हैं, ये दो पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर हैं, ये एंगल बनाते हैं जो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और वो सेम साइड में एंगल्स बनाते हैं,
तो जो चार पॉइंट्स दिखेंगे, दो पहले से है, दो और बन जाएंगे पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स हो जाएंगे कौन साइक्लिक, मतलब एक सर्कल पे आने वाले पॉइंट्स बन जाएंगे। चलो इसको लिख के दिखा दो। इफ टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन सबट्रैक्ट इक्वल एंगल्स इक्वल एंगल्स सेम टू डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स हैं, देन दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, दे आर सिचुएटेड एट द सेम साइड ऑफ द लाइन, वो इस तरफ लाइन के इस तरफ, लाइन को इस तरफ नहीं, सेम साइड, देन दोज फोर पॉइंट्स एम एन क्यू पी आर कॉन्साइक्लिक। तो इसमें कुछ डायग्राम नहीं बना है, इसमें सिर्फ यही प्रूव करना होता है कि जो गिवन पॉइंट्स है क्या वो कॉन्साइक्लिक है। तो हम इस तरह से प्रूव करते हैं कि अगर किसी लाइन के सेम साइड में दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स सेम साइड, तो फिर फोर पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। दिस इज इट प्रॉपर्टी। ओके सो लेट्स मूव फर्दर टू सी नाइन्थ एंड टेंथ प्रॉपर्टी। Dear students, this figure is for 9th property, this is for 10th property. Okay, let's understand 9th one. There is an angle AEC. Ek angle hai AEC. अगर ये एंगल हमें ढूंढना है, अगर ये हमें ढूंढना है तो ये कहता है AAC is half of measure arc AC, ये आर्क से जो भी वैल्यू होगी, समझो वैल्यू है 100, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 100 प्लस थोड़ा सा चेंज है इसमें, इसको ऐसे कर देता हूं, एसी तो ये फिगर है जिसके अंदर अगर ये एंगल हमें ढूंढना है नाइन्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से, अगर ये एंगल हमें ढूंढना है तो एसी दिस मेजर आर्क, इसकी जो वैल्यू होगी, तो अगर इसकी वैल्यू 100 है, यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, हाफ की जगह हाफ लिखेंगे, इंटू 100 प्लस मेजर आर्क बीडी, इसका 50 है तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, तो हमें मिलेगा हाफ इंटू 150 75 डिग्री। तो ये हो गया नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट। अब नाइन्थ में सेकेंड पार्ट भी है, अगर हमें ढूंढना होगा कि इसी तरह सेम है, ये वाला ढूंढना था ये टुकड़ा, तो हमने ये दोनों आर को प्लस करके उसका हाफ कर दिया, दोनों आर को प्लस करके उसका हाफ कर दिया, तो हमें ये एंगल मिल गया। उसी तरह ये भी मिल सकता है, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये कहता है, सेम है कि अगर आपको ये एंगल ढूंढना है बी ई सॉरी सी ई बी सी ई बी, अगर ये एंगल अगर ढूंढना है
ठीक है। तो कैसे ढूंढोगे? सेम तरीका, ये आर प्लस ये आर उसका हाफ। तो मैं लिख देता हूं तो ये हमें मिल गया। तो समझ गए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम जो भी अंदर के, ये सर्कल के अंदर का एंगल है, जब भी हम अंदर के एंगल को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उस एंगल से जो भी आर्क बनती है उन दोनों आर्क की वैल्यू को यानी मेजर एंगल को प्लस करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं, ये तो पार्ट था, ये तो पार्ट, उसी तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज टेंथ प्रॉपर्टी। टेंथ प्रॉपर्टी कहती है बीईडी एंगल अगर ढूंढना है ये सर्कल के बाहर पॉइंट है ई, ठीक है, ये है बी और ये है डी। हमें इस एंगल को ढूंढना है तो फॉर्मूला कहता है हाफ इनटू बीडी। बीडी का जो भी मेजरमेंट होगा, लेट से 80 माइनस, यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस है, क्यों? ये एंगल सर्कल के बाहर बन रहा है, हाफ माइनस ये छोटा आर, ये समझो है 20, ये छोटा जो आर है ये है 20, पॉइंट है ए सी। तो बी डी माइनस ए सी, 80 माइनस 20, तो दिस एंगल वी गॉट 30 डिग्री। इस तरीके से ये 10th प्रॉपर्टी हो गई। ये सारी प्रॉपर्टीज होप आपको समझ में आई है। इसको मैंने इसलिए करवाया क्योंकि 3.4 को कंप्लीट करने के लिए इन एक्सरसाइज का प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप करते हो तो फंस जाओगे, रॉन्ग हो जाएगा और आपको रीजन समझ में नहीं आए। सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड the basics of this practice set, this video was there. Without watching this video, if you go to directly 3.4 practice set video, then it will become difficult for you to understand. You will be getting confused. Okay, so thank you very much. So let's meet in the next video of 3.4 practice set. This was the basic.